Yes. And ये है हमारे host. Driver, उस्ताद जी. प्रेम ठाकुर साहब, ये हमें ले जा रहे हैं. Thank you so much from Mrs. India. Thank you. You are welcome. Thank you. Deepali Phadnis from Mrs. India Pageants. First of all, I would like to wish you all a very happy new year 2018. And now we have reached, and I'm really happy that we are going to cook Khichadi for them. As you know, our Indian government has declared that Khichadi will be our national dish. Not because it's you know, easy to cook, it is very delicious, very healthy. And I think there is no better way to start this campaign, you know, right from cooking Khichadi for the very beautiful kids. The kids are our future, the future of our nation. And you know, anything that we start with the children is considered as the best thing. So we are here, and here is my queen, a classic Mrs. India 2017, Kalpana Thakur. And Kalpana, you know, we are going to make Khichadi, you know. Yeah. So what you feel about it? Actually, this is a very healthy dish. Yeah. So we are starting our new year from the making of khichdi. Yeah. And this khichdi is very healthy. And you will eat khichdi, right? How much khichdi will you eat? Do you eat two or so many? No? Only two will you eat? Okay, so this is our small Kamal. He has to eat khichdi made by this spice club. Kamal, so you have said that you will eat two khichdi. Two, no. You will eat two dabba khichdi. Okay? अब हम चलते हैं खिचड़ी बनाने के लिए, और ये खिचड़ी को तड़का, क्राउनिंग तड़का लगेगा हमारी रेनिंग क्वीन से. और वो खिचड़ी आप देखोगे. सो सी यू देयर. सी यू. चलो, नमस्ते इंडिया. मैं हूँ दीपाली फडनीस, और मेरे साथ है मेरी क्लासिक मिसेस इंडिया 2017 कल्पना ठाकुर, जो हाल ही मिसेस एशिया इंटरनेशनल में जाके आई है, और उनको मोस्ट फोटोजेनिक का अवार्ड भी मिला है. कल्पना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वन मोर टाइम. तो यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. यू नो, शी इज़ ज्वाइनिंग मी टू मेक खिचड़ी मेड अप ऑफ दिस मिलेट्स. ये जो मिलेट्स की जो खिचड़ी बनती है, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस खिचड़ी इज, ये खिचड़ी चावल से नहीं बनी है, ये बनी है मिलेट से. और जैसे हमें पता है कि द मिलेट्स आर द हेल्दीएस्ट फूड ऑन अर्थ, और स्पाइस क्लब ये बनाता है एकदम हैंड पिक्ड मिलेट से. इसका बेसिकली नाम है वेन पोंगल. इसके साथ हम लोग ये खाएंगे घी. दिस घी, ये गाय का घी है. ये प्योर गाय का घी है, और हैंडमेड है, बच्चों ने खुद बनाया हुआ है. हाँ, मुझे तो ये बड़ा बर्तन बहुत अच्छा, घी से ज्यादा अच्छा तो मुझे ये कंटेनर लगा. ये छोटे छोटे बच्चों ने बनाया हुआ है. तो शुरू करें हम खिचड़ी बनाना. ये इसमें मुझे मालूम नहीं था इसमें इतने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं मैम. रियली इट्स गुड फॉर एवरीवन. इट्स वेरी हेल्दी, और ये बहुत जल्दी बन जाता है. हमें कुछ नहीं करना है, बस काटना है. बच्चों ने बोला कि मामा मुझे खिचड़ी खानी है, तो बस इसे काटो, घर में डालो, चार सीटी लगाओ, और दो स्पून घी ऐड कर दो, और आपकी खिचड़ी रेडी. हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है, तो कल्पना जी इसको खोले. आप इसको पहले. वाओ, इट्स वेरी सो गुड. Thank you.
और इसमें जो है इसमें ये तलेगा घी है ना, ये घी जो है ऑर्गेनिक वे से बना है, ये जो है यहाँ के एनजीओ के बच्चों ने बनाया है, आप देख सकते हो ये एकदम गाढ़ा येलो कलर है, गाय का दूध है, इसका इसका पॉट भी देखोगे इतना सुंदर है। वेन पोंगल में विदाउट घी इट इज़ नॉट कम्प्लीट, और जैसे कि अभी हम लोग सुनते हैं कि केटो डाइट इसमें फैट इज़ वेरी मच नेसेसरी, तो इसमें हम चाहते हैं। तो ये है हमारी क्लासिक मिसेस इंडिया घी का तड़का लग रहा है, इसमें आप जितना घी डालोगे उतना ज़्यादा टेस्टी, जैसे यहाँ पे घी खाते हैं सिडू के साथ तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब तो मेरे से वेट नहीं हो रहा मैम, प्लीज आप इसको मिक्स करके सब इतना मोर देन इनफ। अब ये जो है इसमें जो है घी मिक्स हो रहा, अब सब बच्चे बैठेंगे यहाँ पर, बच्चे बैठेंगे हम उनको सर्व करते हैं। ये है कि तो छोटा सा बेबी है, हाँ उसके लिए भी अच्छी डाइट है ना मैम ये। वाओ, अरे वाह, मतलब इतना अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया बच्चों के लिए, रियली इट्स वेरी हेल्दी एंड गुड। या ये मुझे छोटा सा मोमेंटो मिला है इनसे, इसके ऊपर लिखा है फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर रीयूज द वेस्ट, जो कि हमारी क्वीन का भी मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। ओ वाओ, अच्छा, थैंक यू सो मच। ये हमारी प्यारी सी है सुमन दीदी, सुदर्शना दीदी, जिन्होंने इतना प्यारा सा गिफ्ट किया है, और आज हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। बच्चों के लिए हमने खिचड़ी बनाई जो कि मिलेट से बनी हुई है, हेल्दी है, और देसी घी के साथ खाया, और सारा क्रेडिट इनको जाता है, इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से रखा है। यू नो, आपको देख के ऐसे लग रहा है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई है, खुशी है, बहुत खुशी है दुनिया में, है ना, ऐसे बहुत कम होता है बट होता ज़रूर है। तो थैंक यू सुमन जी, एक बार थैंक यू।